साउथ लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्सेज हिजबुल्ला के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की जब तैयारी करती हैं तो पूरा साजो सामान बाउंड्री पर लाकर यानी सीमा रेखा पर लाकर के इकट्ठा करती है। इस वक्त देखिए ये ट्रैक्टर्स हैं जो जब ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो रास्ता साफ करने के लिए और रास्ता बनाने के लिए होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रैक्टर यहाँ पर। अभी देखिए अभी मैं एकदम बॉर्डर पे हूँ और अभी आपको धमाके की आवाज सुनाई दी होगी। ये बहुत ही डेंजरस इलाका है और एकदम अग्रिम मोर्चे पर हूँ मैं इजरायली डिफेंस फोर्सेज, यहाँ से सीधे लेबनान में साउथ लेबनान में ऑपरेशन कर रही है। लेकिन ये मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता था। ये देखिए किस तरह से तैयारी पूरी है यहाँ पर और ये जो मशीनें हैं, ये जो ट्रैक्टर्स जिनको बोलते हैं, ये रास्ता साफ करते हैं। यानी जो इजरायल की सेना जमीनी रास्ते से आगे बढ़ती है तो आगे आगे ये ट्रैक्टर चलते हैं और ये जो भी बाधा होती है उसमें, अगर रास्ते में कहीं कोई बाधा है तो उसको पूरी तरह से साफ करते हुए रास्ता बनाते हुए जाते हैं ताकि उनके पीछे पीछे जो सेना है वो आगे बढ़ सके। तो ये देखिए अग्रिम मोर्चे से न्यूज 18 इंडिया की आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा हूँ किस तरह से साउथ लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्सेस किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी करती है और कैसे अपने आप को हमेशा तैयार रखती है। तो ये सूरत हाल है इसराइल के बॉर्डर का जो एकदम लेबनान से सटा हुआ है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, इसराइल लेबनान बॉर्डर।